अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज चिकन बिरयानी बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। और ये मैंने 1.5 किलो के करीब चिकन जो लिया है, और इसको धो के अच्छी तरह से सिरके में भिगोया हुआ है। और सिरके में भिगोने से इसकी जो है बिल्कुल जो स्मेल वगैरह सारी खत्म हो जाती है, और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। और ये 1 किलो के करीब मैंने राइस भिगोए हैं, और ये अब भीग चुके हैं, और इसको जो है कुछ 2 घंटे हो गए तकरीबन भिगोए हुए। ठीक है, ये एक प्याज काट के मैंने ब्राउन कर ली है, इसको मैं मैश करके उसमें डालूंगी। और ये ऑयल जो है यही वाला हम डालेंगे बिरयानी में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। बकाया ये इंग्रेडिएंट्स हैं बिरयानी के, ये कोई 4-5 जितने भी ये आलू बुखारे हैं, कोई 7-8 के करीब। ये हरी मिर्चें हैं, ये एक हमारा सीक्रेट मसाला है, और ये काली मिर्चें हैं, ये मसाले में जाएंगी, और ये हम लास्ट में डालेंगे। ये भी मसाले में जाएगा, और ये चिकन में यानी, और ये भी मसाले में जाएंगी, और ये तीन लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, ये जाएगा पानी में जब हम राइस बॉयल करेंगे। और ये एक बड़ी प्याज मैंने काट ली है उसके लिए, मसाले में डालने के लिए। ये 2 टमाटर काट लिए हैं, ये लहसुन है, और ये एक टैटो है, ये भी मसाले में जाएगा, और ये इसके अंदर ही जो है गल के मैश हो जाएगा। ये हम बिरयानी के मसाले में डालते हैं। और ये अदरक और सूखा धनिया और जावित्री, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये योगर्ट है कोई 4 चम्मच बड़े, तो इसमें जो है वो प्याज जो मैंने ब्राउन किया है वो इसके अंदर डाल के तो ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। जी, तो ये जनाब हमने पानी थोड़ा सा 1 कप पानी डाला प्रेशर कुकर में, और ये उसमें मैं ये मसाले सारे यानी कि सब्जियां डालने लगी हूँ। ये टमाटर और प्याज वगैरह ये सब मैं इकट्ठा ही डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम डालेंगे नमक हस्बे जायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि 2 टीस्पून मैं इसमें मिर्चें डालूंगी। बिरयानी में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा जाती है, क्योंकि वो थोड़ा राइस जो है उसके अंदर वो ज़रूर हो जाती है। और बाकी ये मैं अपना सीक्रेट मसाला डालूंगी फिलहाल, और साथ ये रेड चिली। ठीक है, और ये काली मिर्च डाल दिए। चलिए, तो अब इसको हम ढक्कन लगा के बंद कर देंगे, जब तक ये मसाला गलेगा उस टाइम तब तक हम जो है बाकी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो दिखाते हैं फिर आपको। जी, तो जहाँ अब इसमें ये मैं डालने लगी हूँ अदरक और जावित्री और खुश्क धनिया साबुत जो मैंने इसका पेस्ट बनाया था, ये भी डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम बंद करेंगे। जी, तो जहाँ ये देखिए मसाला हमारा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, और इसके अंदर ये जो छिलके हैं ये हम इस तरह से निकाल लेंगे बाहर सारे एकदम। तो उसके बाद इसमें डालेंगे बताना चाहिए। ठीक है, कभी कभी तो ये बहुत ही सॉफ्टली ऊपर आते हैं, और कभी ये निकलने में संग करते हैं, क्योंकि इसको हमें निकालना होता है। बहुत सारे लोगों को ये अच्छे नहीं लगते, इसलिए बच्चे भी बिल्कुल पसंद नहीं करते इसके छिलके, और इसलिए मैं निकाल देती हूँ मसालों में से भी अक्सर और राइस में से भी। चलें ठीक है, फिर आप जब मसाले डालते हैं, सब मसाले तो डाल दिए हुए हैं, अब मैं चिकन डालूँगी इसमें। थोड़ा सा पहले इसको मैश करूँगी, तो फिर जो है मैश करने के बाद इसमें चिकन डालेंगे। जी, तो ये देखिए, ये चिकन को भी मैंने जो है ना फ्राई कर लिया, पहले इसको धो के सिरका लगाया, अब इसको फ्राई किया, फिर इसका जो मसाला बना रही हूँ मैं उसके अंदर इसको भूनूंगी, उसके बाद बिरयानी में हम डालेंगे। इसके साथ चिकन का एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बड़ा डिलीशियस सा जो है ना टेस्ट आता है, तो बस बहुत मज़े का लगता है, फिर बिल्कुल स्मेल भी नहीं आती किसी किस्म की इसके अंदर से। तो चलें ठीक है, आपको दिखाते हैं मैं।
जी तो ये देखें ये हमारा मसाला जो है वो पानी इसका काफ़ी आता खुश्क होके और ये मैश हो चुका है, तो इसमें मैं डालूंगी जो मैंने योगर्ट के अंदर प्याज ब्राउन करके ग्राइंड किया था, क्योंकि ये भी साथ साथ ही पकते हैं उसके, और इसके बाद साथ ही ये चिकन मैंने जो फ्राई करके रखा है ये पास ही पड़ा, ये भी अब इसमें कुछ देर तक मसाला भूनने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ये साथ ही मैंने जो है पानी रखा हुआ है, ये राइस इसमें बॉयल मतलब करने के लिए, और ये इसको उबाल आ रहा है, अब इसमें मैं राइस डालूंगी कुछ देर तक। तो राइस मैंने पानी निकाल के साइड पे रखे हुए हैं और ये अब इसमें मैं बिस्मिल्लाह ऐड कर दूंगी। राइस भी डाल दें, जब तक ये कोई थोड़ा सा पक जाएंगे तब तक मैं इसको देख लूंगी। चलें व्यूअर्स, ख्याल रखिए अपना, और जैसी लड़ी होती है बिरयानी फिर दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। अभी तक मैंने इसमें आलू बुखारा ऐड नहीं किया और ना ही ग्रीन चिली, वो मैं एंड पे डालूंगी, क्योंकि ग्रीन चिली और आलू बुखारा बिल्कुल मैश हो जाते हैं, अंदर ज़्यादा गल जाते हैं, उस वजह से बिल्कुल लास्ट में जो दम में मैं डालती हूँ वो। तो चलें दिखाते हैं आपको। जी जनाब, ये अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाह। ये जो इसके अब नहीं डालेंगे क्योंकि वो जो है बिस्मिल्लाह। जी तो जनाब, ये देखिए गोश्त हमारा माशाल्लाह भून चुका है, चिकन मसाला, और इसमें ये मैं ऐड करूंगी अब राइस इंशाल्लाह ताला। देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आ गए हमारे राइस, और फिर जो बाकी मसाला है वो डालेंगे इसके ऊपर। चलो ऊपर मसाला अब डाल चुका है, अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये आलू बुखारे के दाने और ये मिर्चें। ठीक है, इसके ऊपर हम फिर थोड़ा सा जो मसाला है वो भी डालेंगे। ये मसाला सारा ऑलमोस्ट डाल चुका है, तो अब इस पर हम जो है ना ऊपर थोड़ा सा लहसुन पाउडर डालेंगे, ये लहसुन पाउडर, एक इसका एक अपना डिफरेंट सा टेस्ट आता है लहसुन पाउडर ऊपर डालने से। जब हम राइस बॉइल करते हैं उस पर भी हम थोड़ा सा लहसुन पाउडर भी डालते हैं, और एक चम्मच जाएगा ये गरम मसाला, ठीक है, और आधा लेमन का जूस ऊपर निचोड़ देंगे। ये मेरा डिफरेंट तरीन तरीका है बिरयानी बनाने का। आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और चलें, बकाया जो राइस बच गए थे वो भी मैंने अब ऊपर डाल दिए हैं, तो सारी चीज़ें डालने के बाद तो अब मैं इसमें डालूंगी चंद पत्ते पुदीने के, वो भी मेरे पास फ्रोजन हैं इसलिए मैं ये फ्रोजन भी डाल दूंगी। ठीक है, तो इनकी भी बड़ी प्यारी खुशबू आती है जब दम से खाते हैं, और जब खाते हैं तो मुंह में आता है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है इसका। चलें जनाब, तो अब इजाज़त चाहूँगी आपसे, बल्कि कुछ देर के बाद जब बिरयानी रेडी हो जाएगी फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी तो जनाबे वाला, ये देखिए बिरयानी हमारी हो चुकी है रेडी,
और दाम इसका हमने खोल दिया है और कितनी माशाल्लाह खूबसूरत सी इसकी शक्ल आई है और बहुत प्यारी लग रही है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। और आप भी ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से और मेरे तरीके से, यानी तो फिर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो इजाज़त चाहूँगी आपसे। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।